अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी फ्रिज भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि पानी चेंज करने के फ़ौरन बाद फिश जो है मरना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्यों होती हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना टॉपिक जो है मैं पहले यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देखें श्रिम्प कहाँ चुका हुआ है, इसको पानी के अंदर डाल दो, अंदर जा बाहर निकल रहा है। तो अभी मैंने नेट पर सर्च करा तो तकरीबन मैंने 3-4 वीडियो देखी जो कि बिल्कुल ही अजीब बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनको फ़िल्टर को भी एक्वेरियम के पानी से धो और 50% पानी चेंज करो, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं। तो इसका सिंपल सिंपल और सही तरीके का मैं आपको बता देता हूँ कि पानी चेंज करने के फ़ौरन बाद आपके फ़िश क्यों मरती हैं। देखें, सबसे पहली बात जो होती है वो पानी की होती है कि जब आपका ये पानी जो है ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में, अगर पानी इसमें अगर आपको गंदा पानी डाल देंगे, कोई क्लोरीन वाला पानी डाल देंगे, तो फिश जो है वो मरना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप पहले ये चेक कर लें कि जो आप पानी इसमें ऐड कर रहे हैं वो क्लोरीन फ्री होना चाहिए, या फिर उसको एक बकेट में डाल के उसमें क्लोरीन एंटी क्लोरीन डाल के उसको थोड़ी देर रख दें ताकि उसका क्लोरीन जो है ख़त्म हो जाए, या एक्वेरियम में डालने के बाद भी आप एंटी क्लोरीन डाल सकते हैं तो वो भी सही रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजूहत होती है ना पानी चेंज करने के फ़ौरन बाद जो फ़िश मरने लग जाती हैं, वो ये होती है कि पानी का टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है। अब आप लोगों ने पता नहीं नोट करा हो या नहीं करा हो, ज़्यादातर फ़िश जो मरती हैं पानी फ़ौरन चेंज करने के बाद वो मरती हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारे एक्वेरियम का टेम्परेचर होता है 28, 29, 30, और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 16, 15, 10 डिग्री तक भी चले जाता है। यहाँ पे तो 7 डिग्री तक भी पहुँच जाता है पानी का टेम्परेचर। तो अब जैसे कि मैं 28 टेम्परेचर में या 30 टेम्परेचर में एकदम 10 डिग्री का पानी डाल दूँ तो जाहिर सी बात है एकदम फिश को शॉक लगेगा, वो बोलेंगे कि ये क्या चीज़, एकदम से पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो एकदम घबरा जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे और फाइनली वो मर जाएंगी। तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोट करी है वो यही होती है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा फ़िश मरती है। मैं आपको तरीक़ेकार भी बताऊंगा कि क्या उसकी सोल्यूशन क्या है। तो आप जो है सबसे पहले तो पानी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। आप जैसे कि इसका भी टेम्परेचर चल रहा है 32 चल रहा है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो वो बहुत ज़्यादा वर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 55 टेम्परेचर में 60 टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि 60 टेम्परेचर में वो है तो आप बकेट एक बाल्टी भर के उसको आप इसी रूम के बराबर में कहीं पे भी साइड में रख सकते हैं ताकि एक्वेरियम का और बकेट का जो पानी का टेम्परेचर है वो सेम हो जाए और फिर आप उसको डाल सकते हैं। ऐसे ही आप सर्दियों में करें, सर्दियों में ये आप नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर एक्वेरियम का हम तो हीटर लगा के उसको कम कर देते हैं, लेकिन रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो सर्दियों में अब क्या किया जाए, सर्दियों में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये किया जाए कि छोटी एक बोतल ले लें 1 लीटर की, आप 1 लीटर की बोतल पानी इसके अंदर ऐड कर दें। फिर दो घंटे बाद 3 घंटे बाद जब पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, एक बोतल आप डालेंगे इतने बड़े एक्वेरियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप देखें कि हाँ आप पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है तो फिर आप एक बोतल और डाल दें। 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद एक बोतल और डाल दें, फिर आपका चक्कर लग रहा हो 3-4 घंटे बाद फिर एक बोतल और डाल दें। ऐसे आप पानी डालें, आपके फिश बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और कोशिश करें पानी जो है आप एक ही तरफ नहीं फेंक दें बल्कि उसको चारों तरफ ऊपर की तरफ से फेंक दें, और फ़िल्टर जो है आपका ऑन होना चाहिए। सर्दियों में आपको बता रहा हूँ मैं, फ़िल्टर आपका ऑन होना चाहिए क्योंकि ये पानी को सारे पानी में मिला देगा और जिसकी वजह से पानी फ़ौरन जो है एकदम फिश को ठंडा पानी नहीं लगेगा। तो आप उसमें ठंडा पानी ही डाल दें, डायरेक्ट नल से लेके पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो है कम क्वांटिटी में डालें ताकि इतने बड़े पानी में अगर आप एक बोतल 1 लीटर की बोतल आप पानी डाल देंगे तो इस पानी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्दियों में आप ये करें, और गर्मियों में मैंने आपको बताया कि जो है रूम टेम्परेचर पर उसको बकेट को थोड़ी देर रख दें, वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो टेम्परेचर होती है, और पानी की क्वालिटी भी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो है एक ही टेम्परेचर, यानी कि एक ही उसमें एचपी लेवल जो होता है वो एचपी लेवल ज़्यादातर मेंटेन रहे पानी का जब आप पानी ऐड करें, लेकिन हर किसी के पास एचपी मीटर जो होता है वो नहीं होता। तो आप सिंपल उसको यही करें जो मैंने आपको दोनों तरीके का बताया, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, तो आपकी फिश जो है इंशाल्लाह 90% मरना बंद हो जाएंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बंद हो जाएंगी। सही है फ्रेंड्स,
अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको वाकई लगी हो कि हाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन है और यही वजूहत होती है पानी जो है एकदम टेम्परेचर चेंज होता है और फिश मर जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम नई फिश लेकर आते हैं तो हर जो है एक्वेरियम वाला या कोई भी वीडियो यूट्यूबर कोई भी बंदा हो आपको बताएगा कि उसको पानी के ऊपर थोड़ी देर रख के उसकी थैली को और पानी के टेम्परेचर से उसको सूट करा लें, 10 मिनट 15 मिनट उसको पानी के ऊपर रखें ताकि उसका टेम्परेचर और फिश का यानी उस फिश का टेम्परेचर और आपके जो एक्वेरियम का पानी है उसका टेम्परेचर सेम हो जाए। तो यही वजूहत होती है क्योंकि पानी एकदम से मछली को शॉक लगता है तो मछली डाई भी हो सकती है। अगर जैसे गर्मी आए और आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यानी कि 40 तक 45 तक या 34 तक या 34 से भी ऊपर जा रहा है तो फिर आप उसमें नॉर्मल ठंडा पानी जैसे कि जो नल से डायरेक्ट निकल रहा है फ्रिज का पानी एकदम नहीं डालिए करिए, क्योंकि वो फिश जो है फ्रिज के पानी से भी एकदम मर जाए, क्योंकि एकदम लो पानी के अंदर वर्म पानी के अंदर आप एकदम ठंडा पानी डाल देंगे तो फिश मर जाती हैं। अब जैसे कि कुछ लोग भाई जो है हमारे गलती ये करते हैं कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो वो बर्फ़ डाल देंगे पानी के अंदर के टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा, तो ऐसे करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है एक्वेरियम में, बिल्कुल गलत होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपके फिश बाज़ाहिर तो आपको सही नज़र आ रही होगी कि वाह ये तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया फिश भी हेल्दी है, लेकिन फिश 2-3-4 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर फिश जो है मर जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, बर्फ़ नहीं डाली जाती डायरेक्ट एकदम, इनका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं किया जाता, फिश जो है टेम्परेचर एकदम चेंज करने पर वो शॉक में आ जाती है और फिर फाइनली वो मर जाती है। ओके फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।